हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित अधाना। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक प्रोटीन का रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है, 20-25 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है। तो बीच में कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ फिर से। तो गाइस, आज हम एक प्रोटीन का रिव्यू करने वाले हैं। गाइस, लैब्रेडा कंपनी, आपने नाम सुना होगा लैब्रेडा का। तो लैब्रेडा का आइसोलेट 100% वे प्रोटीन का हम रिव्यू करने वाले हैं। गाइज, अगर आप लैब्रेडा कंपनी का प्रोटीन ख़रीदना चाह रहे हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स वगैरह होंगे कि ये प्रोटीन कैसा है, जेन्युइन है नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू करके बता देता हूँ कैसा है। तो गाइज़, ये प्रोडक्ट मैंने आज ही अमेज़ोन से मंगवाया है, आज ही डिलीवरी हुई है इसकी सुबह। दिखा देता हूँ आपको एक बार इसको। ये है लैब्रेडा कंपनी का प्रोटीन, 2 किलो इसका नेट वेट है। और गाइज, इसमें जो 66 सर्विंग्स है इसकी, यानी 66 स्कूप्स इसमें प्रोटीन है, और एक स्कूप जो है वो इसकी 30 ग्राम की है जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन है। और गाइज, इसमें जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो एनर्जी है वो 108 किलो कैलोरी है, प्रोटीन 25 ग्राम है, और कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम है, फैट और शुगर बिल्कुल नहीं है इसमें, सोडियम 135 मिलीग्राम है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस, वे प्रोटीन आइसोलेट है इसमें, यानी जो इसमें प्रोटीन है बिल्कुल प्योर प्रोटीन है। कोको का पाउडर है, जो एक तरह का फ्रूट होता है उसका पाउडर इसमें है, फ्लेवर है इसमें चॉकलेट फ्लेवर, सोडियम क्लोराइड है, और सुक्रालोज है, यानी जो आर्टिफिशियल शुगर इसमें ऐड किया हुआ है ताकि इसका जो चॉकलेटी फ्लेवर में थोड़ा सा शुगर वाला टेस्ट आ सके। इसका जो ओनर है वो है लियो लैब्रेडा, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का हॉल ऑफ फेम है, बहुत ही जाना माना नाम है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, काफ़ी नाम है उनका। और ये जो प्रोडक्ट है ना लैब्रेडा का, ये 20-25 साल से ज़्यादा से मार्केट में है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस प्रोडक्ट की है, तो मैंने ये मंगवाया है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट मैंने मेरे एक दोस्त ने मंगवाया था, तो मैंने उससे बोला कि यार मैं इसका एक रिव्यू कर देता हूँ ताकि मैं कुछ लोगों को बता सकूं कि लैब्रेडा कंपनी का जो प्रोटीन है वो कैसा है। कुछ लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि लैब्रेडा कंपनी का प्रोटीन मतलब कुछ खास नहीं होता, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये आइसोलेट प्रोटीन है, और इस बजट में तुम्हें 4000 प्रोटीन में बिल्कुल प्योर प्रोटीन मिल रहा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और ऊपर से इसमें कोई कार्ब्स नहीं है, और जो कार्ब है वो हेल्दी कार्ब्स हैं, और फैट नहीं है इसमें, फैट फ्री है, शुगर फ्री है, कार्ब्स हैं जो हेल्दी हैं, और ग्लूटन फ्री है, मतलब जो इसमें मैदे वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी अगर आप इसको पियोगे, और डाइजेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एक और बात गाइस, ब्लोटिंग हो जाती है ना, पेट फूल जाता है कुछ लोगों का, तो वो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इसको यूज़ करोगे, तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं वर्कआउट में, अगर आप जिम करते हैं, एथलीट हैं, जो भी आपका वर्कआउट रूटीन है, आप इसको वर्कआउट के बाद लें तो ही अच्छा रहेगा। एक तो ये ज़्यादा दिन चलेगा, मतलब 2 महीने के करीब चल जाएगा, और ऊपर से आप इसको मतलब पता लग जाएगा कि हाँ कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, डाइट मेन चीज़ है, प्रोटीन तो बस रिकवरी का काम करता है, और जो हमारी मसल्स की रिकवर ब्रेक डाउन होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अरे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैब्रेडा कंपनी का किस तरह का इसका लोगो वगैरह होता है। इस देख लो ध्यान से, ये है लैब्रेडा कंपनी का आइसोलेट 100% वे प्रोटीन। तो इसकी जेन्युइनिटी आप पता करेंगे तो मैं बता दूँ आपको, एक तो इस पर FSSAI का हॉलमार्क है, और ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, मतलब इसमें कोई एग वगैरह नहीं मिलाया हुआ, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, मिल्क से बनाया गया है। और इसकी जो स्कूप है 30 ग्राम की है, और यहाँ पे इसको पता करेंगे ना आप जेन्युइन का, यहाँ पे एक बारकोड स्कैनर दिया हुआ है, आप उस पर ऑनलाइन स्कैन कर सकते हैं बारकोड स्कैनर से, और यहाँ पे इसका लोगो दिया हुआ है ऊपर, ये FSSAI का यहाँ पे भी दिया हुआ है, ग्रीन वेज वाला है, और नीचे एक इस पर हॉलमार्क है होप का, ये होप लिखा हुआ है, ये भी इसकी जेन्युइनिटी को बताता है। और गाइस, अब हम इसका करने वाले हैं टेस्ट, देखने वाले हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो हम एक स्कूप लेंगे, 200 मिलीलीटर पानी, यानी 200 ग्राम के लगभग पानी लेंगे हम, उसमें एक स्कूप डालेंगे और फिर देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों, ये 300 ml मैंने पानी ले लिया इसमें बोतल में, अब इसको देखते हैं एक स्कूप डाल के इसमें टेस्ट कैसा रहता है, इसका मिक्सिंग वगैरह कैसी है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको,
फ्रेंड्स हमने खोल लिया है, स्कूप देखते हैं कहाँ पे इसमें। फ्रेंड्स ये है इसकी स्कूप, 30 ग्राम की है और इसकी स्कूप पे भी वो एक लोगो दिया हुआ है हल्का सा, जो इसकी मतलब इसके बॉटम में है ना वो यहाँ पे भी दिया हुआ है इसकी स्कूप में भी, आप देख सकते हो। तो चलिए एक स्कूप डाल लेते हैं इसमें बोतल में। एक पूरी भर के स्कूप डालते हैं पानी में, बस इतना काफी है फ्रेंड्स। तो उसको मिक्स करके देखते हैं मिक्सिंग वगैरह कैसे। गाइज इसकी मिक्सिंग को बहुत अच्छी है और इसका जो चॉकलेटी फ्लेवर है वो काफ़ी टेस्टी है, आपको पसंद आने वाला है अगर आप खरीदने जा रहे हो ये वाला प्रोडक्ट लैब्राडा का। तो गाइज सजेस्ट करूँगा आपको कि खरीद लो अगर आपका बजट है इतने में तो, बाकी अगर आपका बजट नहीं है तो आप नेचुरल डाइट से काम चलाओ, कोई बात नहीं है। जिनके पास प्रोटीन नहीं होता है उनकी भी बॉडी बनती है और जिनके पास होता है उनकी भी बनती है। बहुत सी बार ऐसा होता है जिनके पास प्रोटीन होता है उनकी बॉडी नहीं बन पाती है क्योंकि उनके अंदर क्या है मोटिवेशन नहीं होता है, मतलब उनका मन नहीं रहता बॉडी बनाने का, बस उनको क्या है प्रोटीन ले लिया, जिम नहीं जाना, प्रोटीन से ही बॉडी बन जाएगी। जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे जब तक बॉडी नहीं बनेगी। तो सबसे मेन चीज़ है आपका मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही, का मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।